प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम नोट्स और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है और साथ ही में आपके पास एक अच्छा नोट्स भी बन गया है। अक्सर प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर टॉपिक को पूछा जाता है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब चूंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में लीगल प्रोफेशन से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आप लिखोगे और लीगल प्रोफेशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में उसे भी लिख दोगे। ठीक है, इसमें आप लिखोगे कि लीगल प्रोफेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लीगल प्रोफेशन इज एन इम्पॉर्टेंट लिंब फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लीगल प्रोफेशन क्या है उसे हमने डिटेल में नोट्स के साथ समझा है, तो इंट्रो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इंट्रो मैं केवल एक्सप्लेन करते रहा हूँ। ठीक है, आगे आप लिखोगे कि कोर्ट्स विल नॉट बी इन पोजीशन टू एडमिनिस्टर जस्टिस इफेक्टिवली विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन ऑफ लॉ। आगे ये कहता है कि अगर हमारे पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ना हो लीगल प्रोफेशन का, तो जो कोर्ट्स हैं वो जस्टिस इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाएंगी। लीगल प्रोफेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड नोबलेस्ट प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन एक पुराना और एक सम्मानजनक पेशा है। पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन लीगल प्रोफेशन कॉल्ड एज एडवोकेट्स और लॉयर्स। जो भी पर्सन्स इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम एडवोकेट्स या लॉयर कहते हैं। एक एडवोकेट कोर्ट का ऑफिसर होता है। एन एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एंड सेंट्रल फंक्शन ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स का यानी इन एडवोकेट्स का जो सेंट्रल फंक्शन है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये इंट्रो में आप इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे। अब देखो, अब मेन बॉडी में आप लिखोगे इंट्रो के जस्ट नीचे डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू फोर स्टेजेस। लीगल प्रोफेशन का जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है उसे हम चार स्टेजेस में पढ़ सकते हैं। पहला, लीगल प्रोफेशन इन एंशिएंट इंडिया। लीगल प्रोफेशन इन एंशिएंट इंडिया, दूसरा लीगल प्रोफेशन इन मेडिवल इंडिया, तीसरा लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश रूल और लीगल प्रोफेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर देते हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़रूर से पढ़ के जाओ। ठीक है, तो ये चार स्टेजेस हैं, इन चार स्टेजेस के थ्रू हम लीगल प्रोफेशन की हिस्ट्री को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। अब देखो, लीगल प्रोफेशन इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, व्हेन ह्यूमंस वर नॉट सिविलाइज्ड, जब हम सिविलाइज्ड नहीं थे तो हम ग्रुप्स में रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स और इन ग्रुप्स को ट्राइब कहा जाता था, कबीला कहा जाता था। और इन
डिफरेंट डिफरेंट कबीलों का जो हेड हुआ करता था वो जस्टिस देने का काम करता था बिफोर ऑल दी मेंबर्स, सभी मेंबर्स के सामने अंडर ओपन स्काई, ठीक है। आज की तरह उस समय में कोई लॉयर्स या कोई एडवोकेट्स या कोई एडवोकेसी का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और हम ट्राइबल ग्रुप से किंग्स रूल में एंटर करते हैं, तो जब किंग रूल आता है तो किंग अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, जो कि लीगल एडवाइजर्स कहे जाते थे, उनके एडवाइस से जस्टिस देने का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें थी। उन दिनों जो लॉ था वो कस्टम में और रिलीजन में ही रूटेड था, मतलब जो लॉ था उसका सोर्स क्या था, हमारा रिलीजन, हमारा कस्टम, ठीक है। तो ये ब्रीफ में आप लीगल प्रोफेशन इन एंशिएंट इंडिया, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दोगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। लीगल प्रोफेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसमें आप लिखोगे इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अब जहाँ लिखवाना होगा मैं उन पॉइंट्स को ज़रूर लिखवाऊंगा, तो यहाँ आप लिख लो इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड में पीपल यूज टू लिव इन स्मॉल ग्रुप्स, जो लोग थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे, उन ग्रुप्स को हम ट्राइब कहा करते थे। हेड ऑफ दीज ट्राइब्स, इन ट्राइब्स के जो हेड थे, यूज टू डिलीवर जस्टिस देने काम करते थे अंडर ओपन स्काई बिफोर ऑल मेंबर्स, एंड देर वर नो कंसेप्ट ऑफ लॉयर्स एडवोकेट्स दोज डेज। बट विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है एंड किंग रूल केम इन फोर्स, किंग रूल आता है, तो किंग स्टार्टेड डिलीवरिंग जस्टिस बाय सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। उसके बाद आप लिखोगे लॉ इन दोज डेज वर रूटेड इन कस्टम्स एंड हिंदू रिलीजन, राइट। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया, लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया और मुस्लिम रूल। देखो, जब हमारे इंडिया में मुस्लिम रूल आता है, यानी मुगलों का जब पीरियड आता है, तो देर वर ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन, उस समय भी लीगल प्रोफेशन का एग्जिस्टेंस था, लेकिन आज की तरह नहीं था। अच्छा, जो पार्टी ऑफ लिटिगेशन थे वो वकील्स को अपॉइंट किया करते थे मुगल पीरियड में, और ये जो वकील्स थे देवर ग्रुप ऑफ पर्शंस हुआ करते थे, जो टेम्पोरेरी बेसिस पे अपॉइंट किए जाते थे और लोगों को जस्टिस दिलाने का काम करते थे बिफोर द किंग, और बदले में इन वकील्स को एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिम्यूनरेशन पे किया जाता था। ये जो वकील्स थे उन समय वो एक एजेंट की तरह अपना काम करते थे, और काम होने के बाद वो अपने ओन फील्ड ऑफ वर्क में लौट जाते थे, ठीक है। तो इतना ही है। ड्यूरिंग रूल ऑफ मुस्लिम पीरियड लीगल प्रोफेशन वॉज ऑल्सो इन एग्जिस्टेंस, बट इट वॉज नॉट इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। पार्टी टू लिटिगेशन यूज टू अपॉइंट वकील्स
were appointed on temporary basis to deliver justice for them. ठीक है. एंड इन रिटर्न दे वर पेड, इन रिटर्न दे वर पेड अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिम्यूनरेशन. ठीक है. अब देखो, तो ये हो गया डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग मुस्लिम रूल. देखो, हमारा जो लीगल प्रोफेशन है ब्रिटिश ईरा में, उसे हम 8 स्टेजेस में पढ़ सकते हैं, 8 कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं. डिफरेंट चार्टर्स को, डिफरेंट एक्ट्स को, डिफरेंट रेगुलेशंस को पढ़ करके हम लीगल प्रोफेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश रूल, अब कुछ एक्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना है. जैसे सबसे पहले हमारे पास है चार्टर ऑफ 1726, दूसरा चार्टर ऑफ 1753, तीसरा चार्टर ऑफ 1774, बंगाल रेगुलेशन एक्ट. इन सभी एक्ट के बारे में आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर पढ़ा होगा. ठीक है, तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793, 1793, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879, इंडियन बार कमिटी 1923, इंडियन बार कमिटी 1923, और लास्ट है हमारा इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926. तो ये 8 पॉइंट्स हैं या 8 एक्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल रिगार्डिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लीगल प्रोफेशन. पहला है चार्टर ऑफ 1726, दूसरा चार्टर ऑफ 1753, चार्टर ऑफ 1774, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879, इंडियन बार कमिटी 1923, इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926. चलिए इन एक्ट्स को एक एक करके हम समझते हैं और नोट्स बनाते हैं. चलिए, सबसे पहले आपका है चार्टर ऑफ 1726. हमारा जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है वो डेवलप्ड होता है ब्रिटिश रूल के समय, और 1726 के चार्टर के पहले
जो कोच थे वो अपने पावर को ईस्ट इंडिया कंपनी से डिराइव करते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर चार्टर के आने के बाद कोच अपने पावर को डिराइव करने लगे डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो चार्टर ऑफ 1726। अब इसे हम पॉइंट्स पे लिखेंगे। सबसे पहला मार्क्ड एज बिगिनिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इसी पर्टिकुलर चार्टर के आने के बाद जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे हमारे भारत में, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में मेयर कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया। इन कोर्ट्स को रॉयल कोर्ट्स भी कहा जाता था। ठीक है, मेयर कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ऑल्सो नोन एज, एंड दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो नोन एज रॉयल कोर्ट्स, इन्हें रॉयल कोर्ट्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप डिस्कस कर दोगे इस पर्टिकुलर चार्टर में। ठीक है, चलिए अब देखो, अब आता है हमारा चार्टर ऑफ 1753। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें आप लिखोगे कि दिस चार्टर वॉज इशूड, इस चार्टर को इशू किया गया टू मॉडिफाई द चार्टर ऑफ 1726। 1726 के चार्टर में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए इस पर्टिकुलर चार्टर को लाया गया। इस पर्टिकुलर चार्टर में भी लीगल प्रैक्टिशनर्स से जुड़े प्रोविजंस नहीं लाए गए थे कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे उनके एजुकेशन के बारे में क्या प्रावधान रहेगा, उनके ट्रेनिंग को लेकर के। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर चार्टर में भी हमारे लीगल प्रोफेशन को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं लाया गया। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे इट वॉज इशूड टू मॉडिफाई द चार्टर ऑफ 1726, देर वर नो प्रोविजंस फॉर लीगल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रोफेशंस वॉज स्टिल नॉट इन इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आफ्टर दिस चार्टर ऑल्सो। अब चार्टर ऑफ 1774 का चार्टर देखो, ब्रिटिश क्राउन ने 1774 का चार्टर इशू किया जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, और इस चार्टर ने ही नए इस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के और अटॉर्नी के एनरोलमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया कि एडवोकेट्स और अटॉर्नी को रीजनेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो पावर टू रिमूव एडवोकेट्स और अटॉर्नी ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स वर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट, बट देयर वॉज अ लिमिटेशन इन दिस चार्टर ऑल्सो। इस चार्टर में भी कुछ खामियां थी, इस चार्टर में भी लीगल प्रैक्टिशनर्स से जुड़े कुछ विशेष प्रोविजंस नहीं लाए गए थे। इस चार्टर में भी लीगल प्रैक्टिशनर्स के अपीयर होने और उनके प्ली बिफोर सुप्रीम कोर्ट के रिगार्ड में कोई प्रोविजंस नहीं था। तो देयर वर नो प्रोविजंस रिगार्डिंग अपीयरिंग ऑफ एडवोकेट्स बिफोर द कोर्ट एंड प्लीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। ठीक है, बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो ये चार्टर ऑफ 1774। तो चार्टर ऑफ 1774 लिख लो आप।
तो चार्टर ऑफ 1774 लिख लो, चार्टर ऑफ 1774, चार्टर ऑफ 1774। तो सबसे पहले हमारे पास है चार्टर ऑफ 1726, चार्टर ऑफ 1753, फिर चार्टर ऑफ 1774, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज एस्टेब्लिश, यहाँ लिखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकटा, पहला पॉइंट। दूसरा, एम्पावर्ड इस चार्टर ने पावर दिया, एम्पावर्ड सुप्रीम कोर्ट टू अप्रूव एनरोलमेंट रिगार्डिंग एडवोकेट्स एंड अटॉर्नी, given power to remove any advocate and attorney to given power to remove any advocate and attorney on reasonable grounds, reasonable grounds ke basis pe advocates or attorney ko रिमूव करने का जो पावर था वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। आज आप लिखोगे बट देर वॉज अ लिमिटेशन इन दिस चार्टर टू, इस चार्टर में भी कुछ खामियां थी, इट डिड नॉट प्रोवाइडेड प्रोविजंस रिगार्डिंग लीगल प्रैक्टिशनर्स टू अपीयर एंड प्लीड बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट्स हो गए। अब देखो, अब हमारा आता है बंगाल रेवोल्यूशन एक्ट 1796। बंगाल रेगुलेशन एक्ट, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793। अच्छा, इस एक्ट में पहली बार कंपनी कोड के लिए रेगुलर लीगल प्रोफेशन के ऊपर जोर दिया गया। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ रेगुलर लीगल प्रोफेशन फॉर कंपनीज कोड। अंडर दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन में केवल हिंदूज और मुस्लिम्स को ही राइट था कि वो अपने आप को एनरोल्ड करा सकते हैं प्लीडर के रूप से, ठीक है। फिर हमारा आता है इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, देखो नाम से क्लियर है, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट जो हाईकोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के है, वो है इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861। इसमें क्या था, दिस चार्टर वॉज इशूड, इस चार्टर को इशू किया गया टू एस्टेब्लिश हाईकोर्ट्स, कि हाईकोर्ट एस्टेब्लिश किया जाए सभी प्रेसिडेंसी टाउन्स में, और इसी एक्ट के तहत सिविल कोर्ट्स को भी एस्टैब्लिश किया गया प्रोविंसेस में, ठीक है। तो दिस चार्टर वॉज इशूड टू एस्टैब्लिश हाई कोर्ट्स इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड सिविल कोर्ट्स वर स्टार्टेड ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोविंसेस सब्सिक्वेंटली, ठीक है। अब हमारा आता है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। चलो, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, इट वॉज इनएक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स। जितने भी लॉज थे उस समय लीगल प्रैक्टिशनर्स को लेकर के, उन सभी लॉज को कंसोलिडेट और अमेंड किया गया लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 के तहत। तो इसमें आप लिखोगे इट वॉज इनएक्टेड टू consolidate and amend the laws relating to legal profession. It provided that, इसके तहत क्या था कि advocate और वकील
ऑन द रोल ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के वकील और एडवोकेट के पास पावर था कि वो रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग सस्पेंशन एंड डिसमिसल ऑफ लीडर्स एंड मुख्तार। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में लीगल प्रैक्टिसनर एक्ट 1879 के तहत लीगल प्रैक्टिसनर्स से जुड़े जो भी लॉज थे उन्हें कंसोलिडेट और अमेंड करने की कोशिश करी गई। अच्छा, इस पर्टिकुलर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट और वकील के पास पावर होगा कि वो रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग सस्पेंशन एंड डिसमिसल ऑफ प्लीडर्स एंड मुख्तार। अच्छा, ये जो प्लीडर्स थे, ये जो मुख्तार थे, वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन लॉयर्स हुआ करते थे, और ये जो एडवोकेट्स थे ये ब्रिटिशर्स हुआ करते थे जिन्हें हम बैरिस्टर कहते थे। तो आप देख सकते हो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लाया गया इंडियन एडवोकेट्स और ब्रिटिश एडवोकेट्स के बीच, ठीक है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश एडवोकेट्स जिन्हें हम बैरिस्टर कहते हैं उन्हें ज़्यादा पावर दिया गया इन कंपैरिजन टू अवर इंडियन लॉयर्स, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे इट वॉज इनैक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल लॉज रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिसनर्स एज पर दिस एडवोकेट और वकील ऑन एनी रोल ऑन रोल ऑफ एनी हाई कोर्ट हैव पावर टू मेक लॉज आगे रिगार्डिंग द सस्पेंशन एंड डिसमिसल ऑफ प्लीडर्स एंड मुख्तार्स, ठीक है। अब आप लिखोगे इंडियन बार कमिटी 1923। ठीक है, इंडियन बार कमिटी 1923। देखो, इंडियन बार कमेटी 1923, देखो, इस कमेटी ने ऑल इंडिया बार काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट को फेवर नहीं किया ऑन नेशनल बेसिस। इस पर्टिकुलर कमेटी ने यह कहा कि बार काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ईच हाई कोर्ट, प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए अपना अपना बार काउंसिल होना चाहिए, लेकिन एक बार काउंसिल नेशनल लेवल पे उसके एस्टेब्लिशमेंट को इस पर्टिकुलर कमेटी ने फेवर नहीं किया। इस कमेटी ने कहा कि प्रत्येक हाई कोर्ट्स में सिंगल ग्रेड ऑफ प्रैक्टिसनर्स अपॉइंट किए जाएंगे जिन्हें हम एडवोकेट्स कहेंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कमेटी ने यह भी कहा कि बार काउंसिल बिफोर एवरी हाई कोर्ट, इन बार काउंसिल्स के पास पावर होगा कि लॉयर्स से जुड़े जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे उन्हें ये ले सकते हैं, ठीक है। तो बार काउंसिल शुड हैव द पावर टू इंक्वायर मैटर्स कॉलिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट लॉयर्स, ठीक है। तो ये है, फिर हमारे पास, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कमेटी ने क्या कहा, इस पर्टिकुलर कमेटी ने ऑल इंडिया बार काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट को खारिज कर दिया। इसने कहा कि हर हाईकोर्ट में एक बार काउंसिल होगा और ये जो बार काउंसिल्स होंगे इनके पास पावर होगा कि ये लॉयर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। हर हाईकोर्ट में सिंगल ग्रेड ऑफ प्रैक्टिसनर्स होंगे जिन्हें हम एडवोकेट्स कहेंगे। फिर आता है हमारे पास इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। इंडियन बार काउंसिल एक्ट
1926। अब देखो, इस कमिटी ने भी इसी कमिटी के रिकमेंडेशंस को अप्रूव किया। दिस कमिटी ऑल्सो फेवर्ड द रिकमेंडेशंस गिवन बाय प्रीवियस इंडियन बार कमिटी 1923। ठीक है, तो इसमें आप यही लिखोगे। अब हम बात करेंगे लीगल प्रोफेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे और किस तरह से हमारा लीगल प्रोफेशन डेवलप होता है, क्या उसके डेवलपमेंट की जर्नी रहती है। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद जस्टिस एसआर दास के चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया जाता है, ऑल इंडिया बार कमेटी के नाम से। 1951 में इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दो बातें कही, एक ऑल इंडिया बार काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट नेशनल लेवल पे, जो हमारे देश के सभी एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, उन्हें गवर्न करेगा, और दूसरा हर स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी इस कमेटी ने प्रावधान किया। और ये जो स्टेट बार काउंसिल होगा वो अपने स्टेट के सभी एडवोकेट्स को गवर्न करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब देखो इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस को हम आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, इस कमेटी ने कहा कि एडवोकेट्स के रिगार्ड में जो पावर ऑफ एनरोलमेंट होगा, सस्पेंशन होगा, रिमूवल ऑफ एडवोकेट्स होगा, वो ऑल इंडिया बार काउंसिल के पास होगा। ठीक है, इसी कमेटी के प्रोविजंस को, इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए हमने एडवोकेट्स एक्ट 1961 लाया। ये जो एक्ट है हमारा, वो हमारे इंडिया में जो भी लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उन्हें गवर्न, उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1961 में लाया था। ये सारे पूरे भारत में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इस पर्टिकुलर एक्ट ने रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया हमारे लीगल प्रोफेशन में, या आप यूँ कह सकते हो कि इसी पर्टिकुलर एक्ट ने हमारे लीगल प्रोफेशन को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया, ताकि जो जस्टिस है वो इफेक्टिवली एडमिनिस्टर हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, जिसे मैंने आपको अपने पूरे एफर्ट्स के साथ समझाने की कोशिश करी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपके पास एक अच्छा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, और आप अगर इसी तरह एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपके एक भी मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक है, और आप लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर मेरे वीडियोस आपको किसी भी मैनर में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके बीच ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता हूँ। अब प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज़ में हम कल एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ बार बेंच रिलेशनशिप, इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।